ताला ने बेसिकली हफ्ते के दिन यहूदियों के लिए शिकार करना मना कर दिया हुआ था, और उनकी गुजर बसर आपको पता है शिकार के ऊपर हो रही थी, क्योंकि 40 साल तक वो सराय सीना में भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ उनको लग गई जो सूरतुल माईदा में आता है, जब उन्होंने जिहाद से इनकार किया। अब सराय सीना में वो समुद्री झील के किनारे उन्होंने पड़ाव किया। ये कई एक समुद्री झीलें थीं जिनको बाद में जोड़ के ना नहर स्वीज बना ली गई है। अब तो नहर स्वीज बनी है, वो झीलें नहीं है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अस्हाब को लेके दरियाए नील पार नहीं किया था। दरियाए नील तो मिस्र के अंदर से गुजरता है, वो तो इधर आ रहे थे यानी फलस्तीन की तरफ, तो उसके लिए रेगिस्तान से गुजरते हुए, सराय सीना से गुजरते हुए चंद समुद्री झीलें जिनको उन्होंने अबूर किया था आसा मार के, तो वो रास्ता बन गया था। तो बाद में जब उन्होंने अपने पैगंबर की नाफरमानी की, जिहाद में जाने से इनकार कर दिया सिवाय दो बंदों के, जोशुआ इब्ने नून और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के, तो उनको बदवा लग गई। तो 40 साल तक फिर वो वहाँ पे भटकते रहे। फिर वो उन 40 सालों के अंदर जो रेगिस्तान में नस्ल पढ़ के यानी पल के जवान हुई ना, वो रेगिस्तान के टफ माहौल की आदी थी। और फिर उन्होंने वक्त के पैगंबर से रिक्वेस्ट की कि जी हम जिहाद के लिए तैयार हैं, ठीक है तो हम जिहाद करते हैं। फिर उन्होंने जो है वो यरूशलम को फतह कर लिया। वो एक लादा से एक डिटेल है यहाँ पे, वो असाब सब्त का उन्हीं लोगों का, वो जो 40 साल वहाँ पे भटक रहे थे ना, उस दौरान ज़ाहिर है खाने पीने वाला मामला भी उनके साथ था, तो उन्होंने समुद्री झील के किनारे जो है ना पड़ाव डाला हुआ था। अल्लाह ताला ने अब उनके ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि अब ज़ाहिर है उनको वो सी फूड के ऊपर ही गुजारा था, रेगिस्तान में सी फूड पर ही आपने गुजारा करना है, जबकि रेगिस्तान के किनारे वो मौजूद है। उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई थी कि आपने हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, बाकी आप 6 दिन कर सकते हैं, इतवार को करें, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। हफ्ते वाले दिन शिकार मना है, और हफ्ते से मुराद ये है कि जुम्मे की मगरिब जैसे ही दाखिल होगी शिकार मना, टिल हफ्ते की मगरिब तक ये उनकी पाबंदी थी, बाकी 7 दिन 6 दिन करें। अच्छा, लेकिन चूंकि ये अल्लाह ने उनके लिए आजमाइश बनाई थी, तो आजमाइश तो फिर उसी वक्त होती है ना कि जब बाकी दिनों में मछलियां ना आए और हफ्ते वाले दिन सारी मछलियां आ रही हों, और ना सिर्फ आ रही हों बल्कि आप कुरान में देखेंगे अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उनके सामने छलांगे मारती थी और उन्होंने छेड़ दिया सना फड़ो ना सानो। ये मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ, और अल्लाह ने फरमाया हमने जानबूझ के ऐसे किया था ताकि आजमाइश तो तभी बनती थी ना, अगर बाकी दिनों में मछली आ रही होती और हफ्ते वाले दिन भी आ रही होती तो उनके लिए आजमाइश कैसे बनती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल आराफ़ आयत नंबर 163 पारा नंबर 9 में, वसअलहुम अनिल क़रियतिल लती कानत हादिरतल बहर, इनसे पूछिए उन बस्ती वालों का हाल जो कि एक समुद्री झील के किनारे आबाद थी। इज़ यअदून फिस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानहुम यौम सब्तिहिम, जबकि उन्होंने हफ्ते वाले दिन के मामले में हद से तजावुज किया, जबकि मछलियां जो थी हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रुआ, वो हफ्ते वाले दिन छलांगे मारती थी उनकी नजरों के सामने। ठीक है, अब पूरा हफ्ता मछली नजर आए, हफ्ते वाले दिन मछलियां जनाब इस तरह सामने है कि वो हाथ से भी पकड़ी जाए, इतनी ज्यादा मछलियां आ जाती थी, तो फिर किधर सब्र होता है। वह यौम ला यस्बितून, और जब हफ्ते का दिन नहीं होता था, ला तातीहिम, कोई मछली नजर ही नहीं आती, पूरा पूरा दिन जाल लगा के बैठे रहते थे। कदालिक, इस तरीके से, नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया उनके फिस्क के बदले में, यानी उनके अंदर खराबियां मौजूद थी, तो अल्लाह ने उन पर यह भी आजमाइश के तौर पर एक और शरीयत की पाबंदी डाल दी। व इज कालत उम्मतुम मिनहुम, अब क्या हुआ कि बनी इसराइल में 3 ग्रोह बन गए। इसका पूरा वाकया ना इन्हीं आयात के कॉन्टेक्स्ट में अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। मैंने पहले भी कई दफा बताया कुरान की बेस्ट तफसीर सही बुखारी का किताबु तफसीर चैप्टर, जामिया तिरमिजी का किताबु तफसीर चैप्टर, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम का किताबु तफसीर चैप्टर है। और ये बात अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर में शाहवलीउल्लाह देहलवी ने भी लिखी है कि कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर 3 हदीस की किताबों में वो अहादीस हैं जो इन आयात के शान नज़ूल के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो पूरी हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मिलती है मुस्तदरक हाकिम में। वो कहते हैं कि उनसे इकरमा ताबी जो है वो बयान कर रहे हैं,
तीन ग्रोह बन के वो फिटनेस में बैठती है, तीन ग्रोह बन गए। एक ग्रोह वो था जिन्होंने यानी ये इरादा किया कि अब बात ये कि तो पूरा हफ्ता मछली कोई नहीं आती है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन जो है ना वो मछलियाँ शिकार करनी शुरू कर दी, और उन्होंने हिला ये किया कि अल्लाह ताला तो मछली खाने से मना किया ना, हम शिकार हफ्ते को कर लेंगे, उस दिन रोजा ही रखेंगे, इतवार दिन खोल लिया करेंगे रोजा, ठीक है। और बाज रवायतों में यह भी आता है कि वो हफ्ते वाले दिन उन्होंने समुंदर के एडजेसेंट गड्ढे खोद लिए, जब वो मदो जजर की वजह से पानी ऊपर चढ़ता था ना तो मछलियां उन गड्ढों में फंस जाती थी, जब पानी उतरता था मछली तो जाहिर है वापस नहीं जा सकती, गड्ढे में फंस गई, तो इतवार दिन आराम से गड्ढे से वो मछली निकाल लेते थे। वही ना कुत्ता लाल करना जिसने मौलवी भी एंज करके एंज कान पकड़ने की कोशिश कर देने। तो वो तीन ग्रोह बन गए, एक ग्रोह ने तो ये काम शुरू किया, दूसरा ग्रोह था जो उनको रोकता रहा कि बच जाओ अल्लाह का अजाब आ जाएगा, जो हम भी कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ कि खुदा के लिए आपको कहीं और ले जाएंगे ये। और तीसरा ग्रोह था मीठी मीठी बातें करने वाला, अपने अपने उलमा से पूछ पूछ के चले, किसी को छेड़े ना अपना छोड़े ना, ये ग्रोह भी था उनमें। और वो इस लेवल का था कि जो समझा रहे होते थे ना वो उनको कहते थे क्यों समझाते हो, उन्होंने नहीं पता उन्होंने अपनी कब्र ही जाना है। ये अल्फाज है कुरान में इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज आएंगे। अब सुने, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, जब उनमें से एक उम्मत के एक ग्रोह ने कहा लिमा तअज़ूना क़ौमा निल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, तुम क्यों इनको समझा रहे हो ऐसी कौम को कि जिनको अल्लाह खुद ही हलाक कर देगा अजाब दे देगा, तुसी अपनी कब्र ही जाना, वो पुट्ठा काम कर रहे हैं तो वो अपनी कब्र में जाएंगे, आपको क्या तकलीफ है, हमें भी लोग कह रहे होते हैं तनु क्या तकलीफ है, ऐ जनाब तकलीफ सुन लो। तो वो कौम क्या कहती है, कालू माजिरतन इला रब्बिकुम, हम तो सिर्फ इसलिए इनको समझा रहे हैं कि हम अपने रब के हुजूर माजरत पेश कर सकें कि या अल्लाह हमने बुराई होते देखी थी तो रोका था, गूंगे शैतान नहीं बने थे, हम अपना बचाव करना चाहते हैं कि अल्लाह के कि यार तुम अहले ईमान थे, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे यानी नाम के ऊपर नाफरमानियां हो रही थी और तुम मेरे नाम का दम भरते थे और तुमने इनको समझाया नहीं है। हाय हाय हाय, कालू माज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तकून, या फिर यह है कि हम इन्हें डराएं तो ये बाज आ ही जाए, ये भी दोजख में जाने से बच जाए, जैसे दुनिया में लोग किसी को गड्ढे में देखता हुआ किसी अंधे को देखे ना तो वो पकड़ लेंगे, लेकिन एक बंदा जो है वो दोजख में जा रहा है उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता कि इसको समझा दें कि इन अकीदों के साथ तो दोजख में तो चला जाएगा। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, जब उन्होंने भुला दिया हमारा हुक्म जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था, यानी उन्होंने वो मछलियां पकड़नी शुरू की तो अल्लाह ताला फरमाता है तो हमने निजात दे दी सिर्फ उस ग्रोह को जो उनको बुराई से रोक रहा था। व अख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिम बिमा कानू यफ़सुकून, और हमने उन ज़ालिमों को अज़ाब में घेर लिया बसबब इसके जो वो फिस्क और बुराई किया करते थे। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू, जब उन्होंने हद से तजावुज़ किया उस मामले में जो हमने उनको मना किया था, मानुहू अनहु कुल्ला लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने उनको कहा कि तुम सब के सब फिटकारे हुए बंदर बन जाओ, वो सब के सब बंदर बन गए। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, अल्लाह ताला ने तीन ग्रोहों का जिक्र तो किया, यहां पे कहा कि बचाए वो गए जो लोगों को बुराई से रोकते थे, जो खुद बुराई नहीं कर रहे थे उनको अल्लाह ने इस काबिल नहीं समझा कि यहां पे जिक्र करें, उनका जिक्र किया जो तबाह हो गए और उनका किया जो बचा लिए गए। अब अल मुस्तदरिल हाकिम की उस हदीस के अंदर आता है कि इब्ने अब्बास के पास इकरमा आए और कहते हैं कि मैंने देखा कि इब्ने अब्बास ने कुरान पाक गोद में रखा हुआ है और जारो कतार रो रहे हैं, तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा हजरत क्या हुआ, उनका मैं सूरतुल अराफ की नयात पे पहुंचा और मैं इस बात पे रो रहा हूं कि वो तीसरे ग्रोह के साथ क्या बना है, क्योंकि हम भी अपने हुक्मरानों से कई बुरे काम देखते हैं और हम उनको रोक नहीं रहे होते, उन्होंने अपनी टेंशन पै गई ना, आगे खुद समझ लो आले उमैया का दौर सी। अच्छा
करबला हर जगह ही आ जाती, क्या करें। वो कहते हैं कि जी, वो रो रहे थे कि हम तो ये दरमियान वाली कैटेगरी बने हैं। तो कहते हैं इकरमा ने कहा कि मैंने कहा इब्ने अब्बास, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। उन्होंने कहा रोने वाली ये बात है कि कुरान में ये तो अल्लाह ने बता दिया है कि जो बुराई से रोक लेते उनको निजात मिल गई, जो बुराई कर रहे थे उन पर अजाब आ गया और वो बंदर बन गए। वो तीसरे ग्रोह के साथ क्या बना है, उनको अल्लाह ने बचाया है या बर्बाद किया है, वो अल्लाह ने जिक्र ही नहीं किया। उनको अपनी टेंशन पड़ गई कि हमें भी चाहिए कि हम बुराई से रोकें। अच्छा, फिर उसी हदीस के अंदर आता है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि जी ये जो लोग थे ना, इनका बंदर होने का कैसे पता चला, कि वो शहर की एक फसील थी ना, जब ये लोग इस शिकार से बाज नहीं आए तो जो मना करने वाले थे और जो दूसरे लोग थे वो दोनों वो शहर छोड़ के वहां से कहीं और चले गए समुद्री किनारे से। उनको पता था इन पे अजाब आ जाना है। फिर वो कुछ दिनों के बाद आए और उन्होंने आके ना आवाजें दी कि दरवाजा खोलो, शहर का दरवाजे कोई नहीं खोल रहा। फिर वो सीढ़ी लगा के जब वो उस फसील की छत पे चढ़े तो उन्होंने देखा कि अंदर तो सारे बंदर बने हुए। फिर अंदर से जाकर उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर गए तो इनको ये कैसे पता चला कि वही बंदर बने हुए थे। वो हाकिम की रवायत के अंदर आता है कि जिस जिस कबीले के जो जो लोग उसमें शामिल थे ना, वो सब अपने अपने कबीलों के लोगों के साथ आके लिपट गए वो बंदर, और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जिससे उनको पता चला ओहो ये तो हमारे कबीले के लोग हैं जो बंदर बन गए हैं। तो फिर क्या कुछ नहीं थे कर सकते, उनका मैं तुमने पहले ही समझाया था। तो ये पूरी रवायत को डिस्कस करके इब्ने अब्बास कहते हैं कि जो अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि जिन्होंने रोका था उनको हमने बचा लिया, और जो ये काम करते थे उनको बर्बाद किया, तीसरे ग्रोह के साथ क्या बना। तो इकरमा कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास को तसल्ली देने के लिए कहा कि उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह ने उनको छोड़ दिया होगा, कि उन्होंने बुराई में इन्वॉल्व नहीं हुए, आप टेंशन ना लें इस मामले में। इस पर खैर रवायत कंक्लूड हो गई है। अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन ज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, जो सही मुस्लिम हदीस है, बुराई देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से, जुबान से, ये जुबान से ही रोक रहे थे, हाथ से नहीं रोक रहे थे। और जो जुबान से नहीं रोक सकता, कम अज कम दिल में बुरा जाना है, लेकिन कहा ज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। और वही हुआ है, वो कमजोर दर्जे वालों को अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करना भी गवारा नहीं किया, ये भी अल्लाह ताला के गुस्से का इजहार है। अलबत्ता इसमें यह है, जो शरी हुक्म है अहादीस की रोशनी में, वही है कि अगर कोई शख्स बुराई खुद ना करता हो लेकिन किसी को मना भी ना करता हो, तो दुनिया में जब अजाब आएगा ना, तो अहादीस में और सूरतुल अनफाल के तहत, सूरतुल अनफाल में भी आयात मौजूद है कि जब अजाब आएगा सब पे यकसां आएगा। हाँ, आखिरत फिर उन लोगों की बर्बाद होगी कि जो लोग बुरे काम करते थे, आखिरत में अल्लाह ताला उनको बचा लेगा जिन्होंने खुद नहीं किया। लेकिन दुनिया में जब अजाब आएगा तो सूरतुल अनफाल में आया कि फिर खास उन लोगों पे नहीं आएगा जो बुराई में इन्वॉल्व थे, बल्कि उन लोगों पे भी आ जाएगा जो उनको रोका नहीं करते थे। यानी ये इसका यानी शरी हुक्म इस हवाले से मौजूद है। ठीक हो गया जी।